अब क्योंकि हमने अपना घर वगैरह भी सेल कर दिया था, मेरे ख्याल में लोग नहीं जानते होंगे, लोगों को नहीं पता ये सब चीज़ें, तो मैं यहाँ वैसे बता रहा हूँ कि हमने अपना घर वगैरह बेच दिया था। इसलिए जब मैं चिल्ले में गया, मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं थे। मैं आपको बता दूँ, मेरे अकाउंट में उस वक्त शायद ही कुछ 20-25 हज़ार रुपये होंगे। तो मैंने कहा यार क्या करें क्या करें, मैंने कहा यार ऐसे करते हैं, सबसे मुश्किल काम घर ही छोड़ के चले जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसा वक्त नहीं है जब वो मुझे याद ना आए हो। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिस वाला दिल बदल दे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे घर बड़े ही ख़ास मेहमान जो है वो आए हैं, बाबर जुनेद साहब। और काफ़ी हमने बातें की हैं, काफ़ी देर से हम बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने खाना भी साथ खाया, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और बाबर भाई से बातें की जाएँ और आप लोगों को दिखाया जाए। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आकिब भाई। बाबर भाई, क्या हाल हैं आप? क्या ठीक यार हैं? मैं सोचता हूँ कि बड़ा आज अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ कि आपसे आज मुलाकात हुई है। यकीन करें, इट्स एन ऑनर फॉर मी और मैं खुद बहुत खुश हूँ। वक्त और ऐसे गुजरे पता नहीं चल पता भी रहा। नहीं चल रहा, और काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था यार कि आपसे मुलाकात हो। एक दफ़ा पहले भी आपने आना था, बट जो है थोड़ा मैं सा नहीं आ सका था। आगे हो गया जी प्लान, जी लेकिन गुड टू सी यू जी और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ आज। इनफैक्ट इनफैक्ट मैं अभी आपसे पॉडकास्ट पर यही कह रहा था कि हमने जितनी आज प्रोडक्टिव बातें की हैं वो सारी पहले ही कर चुके हैं। पहले कर चुके हैं ऐसे ही है बस, लेकिन अभी भी जो है हम कुछ डिस्कशंस करेंगे। तो बाबर भाई, मैं तो आपसे मतलब इतना ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ ना, क्योंकि ज़ाहिर है आपके फादर की वजह से वो तो एक मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। और मतलब कि एक उन्हीं के मॉडल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। इनके मौलाना तारिक जमील भी मुझे कहते थे कि आपके लिए तो उनका मॉडल है, आप उनको फॉलो करें। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है आप आए हैं और इतनी आपसे गुफ्तगू हुई है। अच्छा बाबर भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मतलब कि आपकी फादर की डेथ के बाद आप का मैंने देखा कि थोड़ा दीन की तरफ ज़्यादा शायद रुझान हुआ, तो इसके बारे में बताएं कि कैसा एक तो एक्सपीरियंस था वो, और किन वजूहात की वजह से आप जो है आपका रुझान बढ़ा दीन की तरफ, और पहले आपकी कैसा रिलीजियस माइंडसेट था आपका और बाद में कैसा हुआ? अच्छा यार आके भाई, ये सवाल इतना डीप सवाल है जो आज तक किसी ने मुझसे पूछा, या आज पहली दफ़ा आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। अच्छा वो इसलिए कि लोगों को ये लगता है कि मैं शायद पहले से ही दीन की तरफ मेरा रुझान था और मैं पहले से ही दाढ़ी छाड़ी थी, क्योंकि लोगों ने मुझे पहले कभी देखा नहीं था इस सही तरह। सही लेकिन लोग नहीं जानते कि मुझे एक साहब ने बताया कि आपको आपके वालिद साहब की, हो सकता है कि उनकी चीज़ें मिल जाएं जो दुनिया में नहीं है, जो वो काम करके गए थे, लेकिन दीन जो उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में जिस जो उन्होंने किया वो आपको नहीं मिल सकता जब तक आप उसके लिए खुद मेहनत ना करेंगे। तो इसके लिए हर बंदा जो खुद मेहनत करे उसको अल्लाह पाक फिर दीन अता फरमाते हैं। तो मैं यार आकिब भाई, सब एक दफ़ा ARY का रमज़ान का अब्बू का शो चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यार आओ मैं चाहता। अच्छा मैं ना उनका ट्रैक रखता था कि वो कब कब कराची में है, तो सही। मैं उस वक्त शेव नहीं करता था, और अच्छा, जब वो कराची से वो बाहर नाराज जाते होते थे शेव वो पे। जो है बस इसको उनकी नापसंदीदा चीज़ थी। सही। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत सख्त है यानी, इसलिए कि अगर मैं भी, क्योंकि आज मैं बता दूँ सबको, आपके देखने वालों को भी, मैं एक फादर हूँ, तो अगर मेरा भी बेटा कोई एक ऐसा काम करे जो मैंने उसको कहा हो कि ना करो, तो बेशक वो काम अच्छा हो या बुरा हो मुझे वो बुरा ही लगेगा। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेटा थोड़ी बहुत जो दाढ़ी आ रही है उसको छोड़ते रहो आहिस्ता आहिस्ता, तो बाद में इसका तुम्हें एहसास होगा कि तुम इसमें ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। उन्होंने हमें इस तरह लॉजिक दे के समझाया था, लेकिन मैं खुद 16-17 साल का था, वो स्कूल की एज थी, तो मेरे दोस्त वगैरह भी क्लीन शेव घूमते थे। मैं सोचता था कि यार ये कब कराची से जाएंगे और मैं मैं शेव शेव मारूं जल्दी करूंगा। से। तो ये अब मैंने कहा यार 30 दिन वो अपने शो में बैठेंगे तो वो तो आना नहीं है उन्होंने वापसी, तो मैं शेव करके बैठा हुआ था, और अभी अभी सुबह शेव की थी मैंने। अच्छा, हाँ, और उनकी कॉल आ गई अम्मी को कि कि मैं आ रहा हूं। बाबर और तैमूर को मेरे शो में तो भेजो, अच्छा और मेरे वहाँ पे ऐसे समझे कि ठंडे पसीने आने लग गए मुझे, कि यार ना
मैं तो आज शेव करके बैठा हूँ। मुझे वो पिछले दिनों बता कर गए थे कि अभी बेटा रमज़ान के बाद तुम मेरे साथ ना थोड़े दिन के लिए जमात में चलोगे। तो मैंने कहा यार, मैं तो उस वक्त के लिए प्लानिंग रखी हुई थी। अब जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि वो खुद गेट पर आएगा, उधर शो छोड़कर लाइव उनका आपको ट्रांसमिशन रिसीव करने हैं। रिसीव करने हमें अच्छा आए हैं, और उनकी लाइव अंदर ट्रांसमिशन चल रही थी। मैंने कहा वो इस तरह आए हैं मोहब्बत से। उन्होंने आकर जब देखा तो उन्होंने हाथ से हाथ पकड़ के लेकर चलने में मुझे, तो जाते जाते कहा कि कान में कि यार पूरी कटा दी। ओह यार, आखिर भाई बिलीव करे यार, उस दिन के बाद से अंदर जो एक गिल्ट आई है कि यार एज अ फादर एंड अ सन वाला जो होता है कि यार उनकी इतनी बात ना मानने के बाद भी उन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे समझाया कि नहीं कि डांटा हो या कुछ ऐसी बात की हो, तो बस वो अंदर एक फिर एहसास आ ये गया कब की था। बात है? 2013 या 14, 13 या 14 की बात है। तो तब से आपको एक मेरा जैसे वो सिर्फ आया। वो असल में क्योंकि वो फीड करते रहते थे ना। हम जैसे खाने में बैठेंगे तो वो वहाँ पर कोई ऐसी बात कर देंगे इस तरह की कि देखो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया में हूँ या ना हूँ, तुम लोग भाई आपस ऐसे करके जुड़ के रहो। तो मैंने आगे से कह दिया कि इस तरह के अगर कोई गंदा काम गलत काम कर दे तो फिर तो फिर क्या करेंगे। उन्होंने तो कहा तब भी ऐसे जुड़ के रहो, तब भी ऐसे जुड़ के छोड़ना रहो। नहीं किसी को अकेले। तो बस वही उनकी बातें देखें आज या इस तरह। वो सही फिर सही। बता उनके, लेकिन आपने जो बात की वो उनकी लाइफ जिंदगी में मैंने दीन की तरफ नमाजें वगैरह के लिए वो मतलब पढ़ते थे, लेकिन दीन सीखना और समझना उनकी लाइफ में मुझे नहीं आया था। वो जज्बा उस वक्त पैदा नहीं हुआ नहीं था, नहीं था मेरे अंदर वो कैसे आया? यार उसके लिए तो बड़ी यार आखिर में लंबी कहानी है फिर वो, क्योंकि 2017 में मेरी 18 में मैं उनके जाने के बाद 16 के बाद 18 मेरी, अब क्योंकि हमने अपना घर वगैरह भी सेल कर दिया था। मेरे ख्याल में लोग नहीं जानते होंगे, लोगों को नहीं पता ये सब चीज़ें, मैं आगे से बता रहा हूँ कि हमने अपना घर वगैरह बेच दिया था इसलिए कि वो शुरू में हम अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, बिलीव मी। सही। हाँ ऐसा नहीं था मतलब कि, कि फादर के जाने के बाद मुश्किल हाँ वक्त आप लोगों ने देखा। नहीं लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन हमने देखा है नहीं, लोग तो समझते हैं कि आप लोग बस मतलब वैसे ही कि चलता बहुत गया जो है वो सब, वैसे आलीशान लाइफस्टाइल आलीशान लोग, गुजरता रहा और कोई बट यानी यहाँ। ऐसा नहीं है। तो जब अल्लाह पाक किसी को किसी आजमाइश या किसी हालात के थ्रू गुजारते हैं, नहीं कहते कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये भी अल्लाह पाक फरमाते हैं। तो वो उस हल्का सा तो टेस्ट करते हैं अल्लाह कि ये जो एक्चुअल में मुझे कह रहे हैं कि मैं अल्लाह में आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो वो नहीं होता। अब मैं इसका एग्जांपल थोड़ा अजीब सा है, लेकिन जब कोई लड़का और लड़की उनको आपस में मोहब्बत हो जाए तो जो लड़की होती है तो वो अक्सर उसको थोड़ा सा चेक करती है कि ये मुझसे एक्चुअली फेथफुल है या नहीं है, सही कि सही। मैं इसको कोई काम बोलूँगी या कोई इससे बात करूँगी तो ये तो नहीं कि मुझे ये चक्कर दे देगा। तो अल्लाह है, तो अल्लाह से बिल्कुल। अगर हम बंदा कहे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो अल्लाह पाक हल्का चेक करते हैं। तो उनके जाने के बाद ऐसे हालात ज़रूर आए कि उस वक़्त बहुत सारे लोग कहते थे कि जुनैद भाई ने हमसे इतना कर्ज लिया हुआ और है, वो मतलब झूठ बोलते थे। बस रैंडम लौट के आ जाएंगे, ये 5 लाख रुपए जुनैद भाई ने हमसे लिए तो थे। आप क्या दे दिया करते नहीं हम कहाँ से लाएंगे थे? यार। आखिर भाई घर में मैं बताता हूँ, सिर्फ अब्बू थे जो एक कहते हैं ब्रेड बिल्कुल समझ गया। लर, तो काम सिर्फ अबू ही करते थे। मैं हम सब पढ़ रहे थे, यहाँ तक कि मैं जो मेरा बड़े भाई थे वो भी पढ़ रहे थे। हम 4 बहन भाई हैं ना, मेरे भाई तैमूर है, मैं हूँ, मेरी छोटी बहन जारा है, सैफुल्ला है, और मेरी अम्मी। उस वक्त शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, तो उस वक्त एकदम से अब उनकी चीज़ें उन्होंने कहाँ कहाँ, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं था। बेसिकली ये सही सही। वक्त आया था कि ये नहीं कि ऐसे कि बस बिल्कुल ही ऐसे हालात हो गए कि खाने को नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं था उनके काम है क्या क्या, सिवाय बस एक जो उनका ये जो आपने देखा है आउटलेट है जे डॉट। जे डॉट, सिर्फ इसका मालूम था। और यहाँ पे सुहेल भाई भी मौजूद थे तो इसमें नहीं, लेकिन बाकी जो उनने काम किए उनसे उनकी नातों से रिलेटेड या उनके और उन्होंने जो जहाँ जहाँ जिन लोगों के साथ
चैरिटी वैरिटी के उनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, तो हम बिल्कुल ही ब्लैंक थे. तो उस वजह सही। से अब दिल में ही ख्याल आता था कि यार क्या मतलब ज़िंदगी अब क्या है. तो वो अल्लाह ने एक दिल में बात डालना शुरू की. तो बस वो स्लोली स्लोली मैंने अब्बू के दोस्तों से जो रब्ता था, मैंने सईद अंदर भाई को जो हमारे क्रिकेटर, उनसे एक दिन कहा कि सईद भाई मैं जो हूँ बस अब चाहता हूँ कि मैं मुझे अल्लाह के रास्ते में बस भेज दें आप. तो कहते हैं कि देखो यार दीन का काम जो है ना वो जज्बात से नहीं, वो होश से लिया जाता है. तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ 40 दिन लगाओ, फिर तुम देखो तुम्हें क्या समझ में आता है. तो मैंने घर में बात बात की अम्मी से वगैरह, और फिर पहली बार बिल्कुल जो कोई समझ नहीं थी दीन की, और फिर पहली दफ़ा फिर अल्लाह के रास्ते में 40 डेज के लिए ये कब निकला आप गए थे? 2018 में, 2000 फर्स्ट टाइम। फरवरी 2018 पहली दफ़ा मैं चिल्ले पे निकला था. और उससे पहले सरोजे वगैरह लगे थे? उससे पहले इस तरह से रोज़ा लगते थे, मैं आपको बता भी देता हूँ कि अब्बू कहेंगे यार आओ यार वो छोटा सा काम है तुम्हारे साथ. अच्छा, तो बहाने से वो आपको ले मैं बता जाएंगे नहीं क्या जमात क्या मुझे बताए, कहते थे कुछ नहीं एक मिनट आओ तो सही, गाड़ी उठाएंगे ले जाएंगे जमात में 3 दिन में। के अच्छा, लिए. ऐसे लगे थे। तो हाँ वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? उफ यार आके भाई बिलीव मी, मैं ये सारी चीज़ें पहली बार कैमरा में बता रहा हूँ यार. मैंने जो 40 डेज गुजारे यार, जैसे नहीं कहते कि नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि नींद आ जाए, ये बुज़ुर्गों का कॉल है, ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, कोई हदीस या कुरान से सही नहीं. सही। ये बुज़ुर्ग कहते हैं नमाज पढ़ो कि ऐसी कि नींद आ जाए, सुकून ऐसा मिले, और कुरान पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि नींद उड़ जाए कि अल्लाह पाक उसमें क्या फरमा रहे हैं. तो जब वहाँ गया और उन लोगों की बातें सुनी तो होश ही उड़ गए. कि मैं समझता था जैसे मैं भी आके भाई के साथ बैठा हुआ था, तो मैं समझता था कि यार मैं बड़ा मुझे अच्छा खासा आता है नातों, और इसमें आपके साथ जब बैठा, जब अपने से किसी आप नहीं, सीधे ये तो आपका मोहब्बत है आपकी नहीं माशाल्लाह मुझे। से, तो बंदे का होश उड़ती है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. तो जब वहाँ बैठा हुआ उनके साथ तो मैं समझता था मुझे तो बड़ी अच्छी नमाजें आती हैं, सब कुछ दीन का समझ है, बोला तो ये तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, सही ये सही। तो यार इतना बड़ा है दीन. तो और दीन में सिर्फ ये नहीं है कि आपने इबादत करनी है, लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, हुकूक इबाद. बिल्कुल। तो बस फिर वहाँ से जब सीखना शुरू किया, अच्छा मैं उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, जब चिल्ले में आप गए थे? जब मैं चिल्ले में गया था मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं थे. मैं आपको बता दूँ मेरे अकाउंट में उस वक्त शायद ही कुछ 20-25 हज़ार रुपये और होंगे. इस बात का लोगों को नहीं पता था। लोगों को पता ही नहीं, कि आज तक नहीं पता, 2022 है, लोगों को आज तक नहीं पता ये चीज़. तो फिर कैसे आपने मैनेज किया उसको? और मेरी शादी हुई है 2018 के जनवरी में, मैंने अपने चिल्ले के आपको गलत डेट बता दी, 2019 में मैं गया था. हाँ ठीक, शादी शादी के 1 साल बाद ओके, बिल्कुल. उसको हम स्विच कर लेते हाँ हैं। ठीक है, ठीक। मेरी शादी हुई है 2018 की जनवरी में, मेरा निकाह हुआ है, और फरवरी 2019 को आप चिल्ले पे मैं चले चिल्ले गए, में निकला तो था. वो भी मुश्किल नहीं था कि मतलब नई शादी होना और एकदम फिर दूर जाना फैमिली से? मेरी वाइफ को तबलीग के बारे में नहीं मालूम था. सही। हाँ असल में हम ये समझते हैं, मैं थोड़ी सी वैसी बात कर रहा हूँ हमारे टॉपिक से हट के, कि जिसकी भी दाढ़ी हो या टोपी सर पे हो तो वो तबलीगी है. मैं जब कभी गेट पे कोई आता है ना, तो मेरी बेगम कहती है कि आप देखिए आपको कोई तबलीगी आए होंगे. मैं कहता हूँ ये दाढ़ी टोपी है तो मतलब थोड़ी कि तबलीगी है, तबलीग का दाढ़ी टोपी से कोई काम थोड़ी है, वो तो एक काम है, जो उस काम को करेगा बस वो, उसको तो आप तबलीगी कह सकते हो बेशक उसकी दाढ़ी हो या ना हो. तो ये नमाज पढ़ लेना रोज़ा रख लेना ये तबलीग से इसका कोई काम, तबलीग ही सिखाता है लेकिन इससे इंसान तबलीगी नहीं बन जाता. तो मेरी बीवी नमाज वगैरह में माशाल्लाह से अभी भी वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ती है, लेकिन उसको तबलीग का नहीं आइडिया था कि मियाँ जो है 1 साल के अंदर मुझे 40 दिन के लिए छोड़ के जा रहे हैं. तो वो ये कैसे आपने मैनेज किया? और अक्सर लोग हैं जो कि इस सिचुएशन में से गुजरे होंगे, तो हालांकि मेरे लिए भी मुश्किल था, बट सामा मैंने मैनेज को कर लिया।
तो आप अपना इसमें शेयर करें ना इसमें। नहीं, मेरा तो इस वक्त तो है स्पॉटलाइट में जो है ना, इस वक्त हाँ, आप हैं, लोग हाँ, आपको देखना चाह रहे हैं, हाँ, आपकी बात सुनना चाह रहे हैं, तो मेरा आखिर भाई बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं मालूम था कि अच्छा मेरी वाइफ, मेरा उस वक्त जो बेटा जुनेद है, मेरी वाइफ वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो कहते हैं कि वो जो 9 महीने होते हैं एक औरत के लिए, उसको एक अपने मियाँ का वो एक इमोशनल अटैचमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो मैं ये समझा कि यार मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करी, मैंने कहा मैं आपके सुनने वालों में बताऊं कि यार अल्लाह के यहाँ मेरा अपना दिमाग बड़ा तेज़ लगाने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे लगता है कि है लेकिन है नहीं, कि बाबा ने भी तो अल्लाह के यहाँ मामले सारे कुर्बानी किए हैं। तो बाबा ने भी कुर्बानी की तो अल्लाह पाक ने उनको जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी, अल्लाह पाक ने दे सिर्फ हमारे हमें देने के लिए ही है, अल्लाह तो लेते हमसे कुछ भी नहीं है, कुर्बानी भी नहीं लेते। बिल्कुल ऐसे ही और हो। ना क्या कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, और चलो वो जो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे जो छुरी फेरी, तो सिर्फ वहाँ तक का काम था, उसके बाद तो अल्लाह पाक ने कुर्बानी ली तो नहीं ना, बिल्कुल टेस्ट और किया सिर्फ सिर्फ। टेस्ट किया था। तो मैंने कहा यार मेरी बीवी यार सख्त एक्सपेक्ट कर रही है बच्चे के साथ, और नई नई शादी हुई है, तो कुछ तो मैं कुर्बानी दूँ कि मुझे भी ज़िंदगी में आगे इसका मैं चाहता हूँ दुनिया में फल भी मिले। तो मैंने कहा यार क्या करें क्या करें, मैंने कहा यार ऐसे करते हैं सबसे मुश्किल काम घर ही छोड़ के चले जाते हैं अल्लाह के, अच्छा और एक ऐसे काम के लिए जिससे आपको पता है कि आप मेरे पास पैसे भी नहीं है पीछे देने के लिए वाइफ को। और वो ये समझती थी कि मेरा मियाँ जो है वो मेरे साथ है और इसे एक नॉर्मल हस्बैंड होता है। तो मैंने उसको कहा कि देखो आज 2019 की बात है, आप इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, फिर आप देखना आपकी ही ज़िंदगी में अल्लाह पाक इन्हीं चीज़ों का आपको नेमन बदल देगा। तो वो बस और अल्लाह ने दिया फिर वो। फिर अल्लाह पाक ने, हाँ आज से 3 साल हो गए, मुझे लगता है कि सब चीज़ें अच्छी हुई हैं उसके बाद नहीं नहीं से। बेशक बिल्कुल, हाँ तो बड़ी मोटिवेटिंग है ये भी। और आई एम अच्छा उस श्योर, वक्त ये यूट्यूब वगैरह कुछ बनाया भी अच्छा नहीं उस था, वक्त नहीं था आपका नहीं नहीं मुझे चैनल। आता आता नहीं था काम करना, सही सही मेरे पास कोई जॉब ही नहीं थी उस वक्त। सही सही। हाँ नहीं बड़ा जो है मोटिवेशनल है, और ख़ास तौर पे यूथ जो है, जो हमारे हम उम्र के लोग हैं। यार आखिर भाई मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, बाप दीनदार हो जाए इसका ये हरगिज हरगिज 100% मैं अभी आपको एक अच्छी चीज की ऑथेंटिक बात बताऊंगा मतलब नहीं है कि वो बेटा भी दीनदार निकलेगा, और अगर वो ना निकला ये नहीं, अगर बाप दीनदार है इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अल्लाह पाक उसके बच्चे को भी वही सब चीज़ें अता करेंगे अगर वो दीन पे ना चले, उसको भी चलना पड़ेगा। इसके एग्जांपल देता हूँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी, 950 साल उन्होंने तबलीग करी, उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी, चोटी पे चढ़ गया, सब जानते हैं नाकाम नाकाम हो हो गया गया। बिल्कुल, तो अगर मैं इस चीज़ को खुद नहीं अपनाता, जैसे लोग कहते हैं गारंटी कि नहीं है इस चीज तो की। गारंटी नहीं थी कि मुझे अल्लाह पाक ने जो मुझे लगते हैं चीज़ें अता फरमाई वो उस बेसिस पे होती कि मेरा जस्ट बिकॉज मेरा बाप जो है वो दीन की ज़िंदगी। नहीं बहुत खूबसूरत बात की है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हरगिज़ जरूरी नहीं है कि बाप अगर नेक है तो बच्चा भी नेक हो, या बाप बुरा है ये भी तो इसका इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हाँ बाप हाँ गुनहगार है तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बच्चे भी उसके वैसे नहीं हों। नहीं अल्लाह पाक का तो मामला हर बंदे से अपना है, उस दीन का और जिंदगी, वो कोई इसमें वो बात नहीं थी कि जस्ट बिकॉज मैं जुनेद जमशेद का अगर बेटा होऊंगा तो सब कुछ मेरे पास प्लेट में निकल के आएगा। अल्लाह पाक माल नहीं छीनते, नेमतें नहीं छीनते, लेकिन अगर आप अल्लाह की नाफरमानी करो तो उसी नेमतों में फिर बंदा जलील होता है, बरकत नहीं रहती। बिल्कुल बरकत नहीं रहेगी, वही पैसे आप किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, परेशानियों में गुजर जाएंगे, क्योंकि आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो और आपके पास वो नेमतें हैं तो वो नेमतें आपको फ़ायदा ही नहीं देंगी। और इसका उलट भी है कि अगर अल्लाह को राजी किया तो कम आपके पास उसमें, होगा वसाइल, कम चीजों में भी आप खुश रहोगे, खुश रहोगे और आपको हर चीज़ आपको पूरी पड़ेगी। तो फिर अल्टीमेट मकसद तो यही होता है कि इंसान पुरसकून रहे। तो वाह वही चीज ये अगर आपको कम में भी मिल जाए तो बात तो वही है। अल्लाह भी ज़िक्र अल्लाह तत्मईन्नल कुलूब, अल्लाह पाक खुद फरमा रहे बेशक ना बेशक। कि मेरा जो दिलों का जो सुकून है सिर्फ मेरे जिक्र में। तो अल्लाह का जिक्र का मतलब नहीं कि हम सिर्फ तस्बीह करें, अभी जो आप और मैं कर रहे हैं ये ये अल्लाह का भी जिक्र अल्लाह की है। हम बात कर रहे हैं, जी बेशक बेशक सही। तो बाबर भाई आपकी माशाल्लाह जो है नाते
बड़ी सुनी जाती हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ आपकी जब भी कोई नई नात आती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये आपने कैसे अपना जर्नी शुरू किया। शुरू से आपको शौक था, बाबा की वजह से शौक बना, और मैंने देखा उनकी डेथ के बाद आप ज़्यादा एक्टिव हुए हैं इस चीज़ के अंदर। यार आकिब भाई, माशाल्लाह से आप, क्योंकि मेरी मैं अपना आपको अपना दिल की बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में और वैसे भी यू आर अ वेल नोन नाथ नाथ हुआ, ठीक है, जो एक बंदे के ऊपर एक लेबल होता है ना, मैं नहीं हूँ वेल नोन, मैं अभी क्या कहते हैं इस चीज़ को परसू कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि लोगों की एक चाहत है कि यार जब कभी आप लोगों से के साथ बैठो कि यार कोई ना कोई नात ज़रूर पढ़े, तो वो नहीं कहते कि डिमांड एंड सप्लाई पे भी सारे चीज़ें उसके इर्द गिर्द फिरती हैं, तो अब डिमांड थी तो मैंने कहा कि यार इसको थोड़ा परसू करते हैं। तो मैंने पहली दफ़ा अब्बू के साथ एक नात या कोई उनका गाना एतबार था, बिल्कुल मिलो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने उनका बैठ के गाया था, तो मैंने ऐसे करके सर पकड़ लिया था कि या अल्लाह मेरे बच्चों में से कोई भी जो है वो गाने को या फिर आवाज़ पे मेहनत नहीं करता। तो आपने कहा ना कि उनके बाद मतलब कि फिर आपने इतना बुरा गाया कि उन्होंने कहा यार ये क्या हमने इतना अच्छा, बुरा गाया कि ऐसा लग रहा था कि गाया ही नहीं है। मतलब कि हाँ उन्होंने कहा ये मेरे ही बच्चे गा रहे हैं इतना कि यार बुरा या हम सब बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार कौन है जो गाना चाहते हैं, तो अब जा में से सब ने एक ट्राई दिया और उन्होंने उसके बाद तौबा की कि मेरे बच्चों में से किसी को इस चीज़ का शौक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका जुनून, एक और हर फील्ड में एक जुनून, एक पैशन, एक उसकी ड्राइव चाहिए होती है कि उस टारगेट तक जाने के लिए, तो फिर बंदा उसको परसू करता है। हमारे अंदर नहीं थी अब है इतनी आज़ादी है कि आवाज़ इतनी नहीं है लेकिन पैशन अंदर बहुत है। नहीं, प्रैक्टिस से तो कुछ भी इंसान कर सकता हाँ आपने बिल्कुल सही बात है। की, मैं भी आपको देख भी रहा था कि लोगों को आपकी जो नाते हैं माशाल्लाह से, मैंने कई नाते आपकी सुन, मैं हर नात सुनी है आपकी, और एंड स्पेशली ऑल ऑफ दोज जो आपकी खुद की उसमें ट्रैक्स हैं, और वो तो मैं समझता हूँ कि लोग आखिरी जो ट्रैक होते हैं उसको देख लेते हैं, उसके पीछे की मैंने तो प्रैक्टिस नहीं देख पाते, तो अभी लोगों को नहीं पता मेरी प्रैक्टिस बहुत जारी है, तो इंशाल्लाह कोशिश यानी कि करूँगा। हम उम्मीद करें कि एक धमाका आने वाला है आपकी तरफ से, और एक मतलब कि रिवाइव्ड एक न्यू वर्जन अपडेट न्यू वर्जन इंशाल्लाह आने वाला आनी है, कुछ कोशिश करूँगा कुछ आज आपके भी इस पे नहीं प्लेटफॉर्म पे जरूर, कुछ डेफिनेटली बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ कुछ कलाम पढ़ दें एंड में। बिल्कुल जरूर। अच्छा बाबर भाई, एक चीज मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें मेरे साथ भी और व्यूअर्स के साथ भी, के मतलब कि आपने एक छोटी उम्र थी आपकी, और मतलब कि उस तरह आप इंडिपेंडेंट भी नहीं थे, और आपके वालिद साहब इस दुनिया से जो है वो पर्दा फरमा गए, तो मतलब एक बहुत मुश्किल यकीनन वक्त था, तो इसमें से आप कैसे गुजरे, आपने किस तरह अपने आप को स्टेबल रखा, और लोगों को आप क्या बताएंगे कि अगर और भी कोई इस तरह की सिचुएशन में से गुजर रहा है या कभी गुजरता है, अनएक्सपेक्टेड किसी के वालदैन में से कोई एक दुनिया से चला जाता है, तो वो किस तरह अपने आप को संभाले और उस फेज में से कैसे निकले और अपने आप को कैसे मजबूत करें। ये आखिर भाई आपने सबसे मुश्किल सवाल कर लिया अब, और ये हमें शायद लगभग कोई 6 साल होने वाले हैं अब बब्बू को, अच्छा उनको बाबा कहते थे, बाबा को 6 साल होने वाले हैं, और इन 6 सालों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसा वक्त नहीं है जब वो मुझे याद ना आए हो। जब मैंने पहली दफ़ा जब मेरी जब शादी हो रही थी, एक ही शादी हुई अभी तक, तब मुझे इतना याद आए, जब मैंने जब मेरी फैमिली बड़ी हुई तब मुझे वो याद आए, और उसके बाद ज़िंदगी में जब जब कोई काम किया और उसका कोई खुशी का मौका आया तो मुझे वो याद आए। तो मैं समझता हूँ कि जिनके भी वालिद साहब, जिनके अब्बू वालदे दुनिया में ज़िंदा हैं, तो होते हुए उनकी कदर नहीं आती, जब कोई नेमत इंसान के पास से चली जाती तो उसकी फिर कदर आती है, फिर उस चीज़ का नेमल बदल तो कोई है ही नहीं वालिद और वालदा का। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं और मेरा छोटा भाई जो है बस बैठे हुए थे, तो इसी तरह हमें एक खबर आई थी, और बस उस वो वक्त क्या ही बताऊँ आपको उसमें से किस तरह गुजरे, कि मैं जो हूँ रातों को, अब ये
आज इतने सालों बाद लोग सुनेंगे, पता नहीं क्या लोग समझेंगे, लेकिन अब बता देता हूँ, मैं जो हूँ रातों को उठ उठ के रोता था। और बड़े मज़े की बात बताऊँ, मेरा बड़ा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, मैं अगर 27 का हूँ, वो आज 30 का है, मैं उस वक्त आई थिंक 20-21 साल का हूँ मैं, इक्कीस सात साल छः ठीक। साल पे हाँ ना हाँ हाँ यही तो मैं उठूँगा रात को 2 या 3 बजे और मैं खेकिया मार के रोऊंगा, तो जब मैं रोना बंद करूंगा मुझे आवाज़ आएगी, मेरे भाई का कमरा साथ ही था, उसके कमरे से भी उसकी रोने की आवाज़ आएंगी कि वो भी खेकिया मार के रो रहा है। फिर मेरी अम्मी भी, उनका कमरा मेरे से थोड़ा दूर था, वो उनकी भी अंदर से कमरे से रोने की आवाज़ आएंगी। तो ना वो नहीं होता जैसे कोई जनाजा हो किसी का, तो शुरू के 10-15 अब अबू के में तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो उस वक्त महसूस नहीं हो रहा था। अब जब अबू हमने लिटा दिया, अब वो चले गए लोग, और अब 2-3 दिन गुजरे और अब घर में सन्नाटा शुरू हुआ। अब जब लोगों का जो जो तादाद की लाए थे वो भी जाना शुरू हो गए और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, तब सब चीज़ें एक साथ हिट करना शुरू हो गई। तो मैंने अपना ऐसे करके लैपटॉप ज़मीन पर फेंक दिया था, तोड़ दिया, और जो वो लेकर आए थे मेरे लिए, जैसे रहता था ना कि मैं उनको बोलूँ कि आप अपने इस इवेंट पे जाना तो आप मेरे लिए लेकर आए, तो वो जो जो चीज़ें आई थी सब मैंने तोड़ फोड़ दी अपने, ऐसे करके जैसे आपके सामान यहाँ रखा हो, मैंने ऐसे करके सारा करके गिरा दिया। उन्होंने कहा क्या ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। और लेकिन ये मैं बातें किसी को नहीं बता रहा कि कोई करे, ये तो एक 21 साल आपकी का कैफियत ऐसी एक का बच्चा थी। वो कर रहा है, समझे खुद, ये कोई करने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन इसके बरक्स मैं बताऊँ आपको कि कुरान में लफा फरमाते वला तहीनू वला तहज़नू, कि ना हमने उदास होने ना मायूस होने, ये कुरान की आयत है, अल्लाह पाक फरमा रहे ना हमने उदास होने ना हमने मायूस होने, क्योंकि अल्लाह तो हमसे हमारी शर्त चारक से भी से ज़्यादा करीब है। तो अल्लाह पाक तो हमें कभी अल्लाह पाक ने बनाया है, और अल्लाह पाक सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए जो गम हो वो देते हैं, उसके बाद तो फिर अल्लाह पाक उसको बुलवा देते हैं। आज 6 साल बाद मुझे वो गम वगैरह अब नहीं है जो उस वक्त था। तो बस मैं समझता हूँ कि मैंने किस तरह ओवरकम किया, तो सबसे पहले जब इंसान किसी चीज़ में चेंज आता है ना इंसान में, तो उसकी जाहिर में चेंज आता है, खाने का जो टेस्ट है, टेस्ट वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक पका हुआ ना हो, और जब पक जाए तो आपको पहले खाने का जो, नहीं अब अबू भी जब खाने में बैठते थे कहते थे यार दिखने में अच्छा लगना चाहिए पहले, तो बंदा पहले दिखने से चेंज नज़र आता है, उसके सर पर थोड़ी टोपी आती है, हल्की फुल्की दाढ़ी आती है, कपड़ों के लिबास में फ़र्क आता है, ये सुन्नत करते जो कोई भी इंसान हो किसी भी चीज़ में जो चेंज हो रहा हो, तो पहले मेरा बाहर से थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ, तो अंदर अंदर उस वक्त मेहनत कर रहा था, तो फिर ऐसे ऐसे जब मैंने अल्लाह की रस्सी थामी और जब पता चला कि अच्छा मरना तो मैंने भी है, मैंने भी वहीं जाना है जहाँ वो गए हैं, तो बस फिर एक सेकंड में सारा गम वम सब आसान दूर हो हो गया फिर। सब, एक सेकंड में। फिर मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि यही असली गोली है खाने की, आखिरत को याद करना कि दुनिया क्यों आखिर बढ़ना है। जो आखिरत को याद रख लेता है उसके लिए दुनिया की गम तकलीफें परेशानियां मुसीबतें हर तरह की आजमाइश कोई मायने नहीं रखती, वरना तो फिर बंदे को और कोई रास्ता ही ना नजर आए, क्योंकि जहां सबने जाना है वो आखिरत की ज़िंदगी है, तो वहाँ एक ही रास्ता है, कामयाबी नाकामी। तो मैंने सोचा कि यार अगर वो कामयाब हो गए तो मैं क्यों ना मेहनत करूँ और मैं उनसे भी ज़्यादा कामयाब होने की कोशिश बेशक करूँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बस मैंने उस पर मेहनत शुरू कर दी। आपने उस पर नहीं, माशाल्लाह बड़े लोग आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं और बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं यूथ में पॉजिटिव जो है। आप इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग आई एम श्योर जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैंने टैग कर दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके देखें इनका कॉन्टेंट, जजाकल्लाह इनकी आपका नाते हैं। भाई, उसके अलावा भी आप वीडियोज़ बनाते रहते हैं। आपने जो YouTube की बात भी जो की वो इसलिए कि मैं चाहता था कि यार मैं लोगों तक भी एक ऐसी बात पहुंचाऊं कि जो हमारे हमारे माशरे में है, कि अगर आपने दीन पे चलना है, इसका ये हरगिज़ मकसद मतलब या मकसद नहीं है कि आपने दुनिया को भूल जाना है, दीन बल्कि हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं भी आपको आके भाई नहीं आपसे मैं बार बार सवाल कर रहा था, यार आके भाई आपने अपना इक्विपमेंट कहाँ से लिया, आपने अपने माइक नातों का जो आप जिस पर रिकॉर्ड करते हो कहाँ से लिया, वो इसलिए कि
आपकी भी तो ज़िंदगी जो आके भाई आप मुझे अभी हम जो बैठ के डिस्कस कर रहे थे, और लोग भी जानते हैं कि आपने भी एक 180 डिग्री टर्न लिया है। तो आप मुझे आके भाई ख़ुद बताएं कि जो आपकी जो पुरानी ज़िंदगी थी और अब ज़िंदगी में सिर्फ चीज़ें ऐड ऑन नहीं हुई। बिल्कुल बाबर भाई, बस अब तो कभी कभी भूल भी जाता हूँ, लेकिन कभी कभी याद आती है। ये नहीं कि मैं मिस करता हूँ, एक सोचता हूँ कि यार एक फेज था वो भी। तो अभी मैं वही बात करने वाला था कि मुझे याद है कि आपके फादर से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता था, ठीक है, क्योंकि कैसे? ऐसे रिलेट करता था क्योंकि उनके गाने पहले मैं सुनता था, ठीक है, उनका एतबार और इतने ज़्यादा उनके, एक पुराना उनका गाना होता था, सोनी सवेर इतनी सांवली महबूबा, वो बचपन में मुझे याद है कैसेटों पे सुनता था। तो वो एक एक इमेज था एक स्टार का ना माइंड से, और उनके और भी बड़े गाने थे। तो और फिर उनको मैंने देखा कि वो चेंज हो जा रहा है, उस वक्त तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे खुद एहसास होने शुरू हुआ दीन की तरह, खैर वो भी एक कहानी है। तो मुझे याद है कि मैं जब 2016 में चिल्ले में जा रहा था, दिसंबर अच्छा, दिसंबर में, और उनकी जब 40 days, 40 डेज में था, जब उनकी डेथ की खबर आई थी ना, मैं उस वक्त जमात में था। क्या बात है। तो मुझे याद है कि मैं बैठा हुआ, तो एकदम एक साथी आया, हम खाना खा रहे थे या पता नहीं खाना खा के चाय पी रहे थे, एक साथी ने आके बताया कि खबर दी, तो सब लोगों ने बड़ा अफसोस मनाया। तो मेरे उस वक्त बाबर भाई पता क्या जज्बात थे, मेरे मुंह पे एक स्माइल आई, ठीक, और स्माइल वो इस वजह से आई, मैंने कहा यार ही हैज़ डन इट, कि यार क्योंकि मैं उनको देख रहा था यार, वो दीन से एकदम इस तरफ आए, फिर उनकी ऊंच नीच भी जिंदगी में कॉन्ट्रोवर्सीज ये वो, कि एक स्ट्रगल भी बीच में आता था उनका, लेकिन स्टिल वो लगे रहते थे लगे रहते थे। तो जब मैंने सुना ना कि यार वो जमात की नुसरत से आ रहे थे और वो मतलब कि दीन की खिदमत करने निकले थे, और इस रास्ते में उन्होंने अपनी जो है जान दी है, तो मैंने कहा इज डन इट, मैंने मौत हो तो ऐसी, मतलब कि अच्छा, मुझे यहाँ पर दीन बड़ी आया मुझ मेरी उम्मीद आया ना कि यार अब वो काम करते हुए, अब मौत तो किसी कि हालत बंदा में भी आ दुनिया से सकती जाए तो है, ऐसे है। ऐसे जाए मौत तो किसी हालत में भी आ सकती है, कोई इंसान सारी जिंदगी नेक अमाल करता रहे, एंड में कोई ऐसी स्टेट में चला जाए, जाया हो जाए सब। तो मैं मतलब कि बड़ा इंस्पायर्ड था, तो हमेशा से मेरे लिए, और मेरा आप यकीन करें कि जो सारा इक्विपमेंट और ये मुझे इतना भी ऑडियो रिकॉर्डिंग का शौक है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना उनके साथ बैठ के, आपके बाबा के साथ बैठ के उन्हें अपना सारा बताऊं, मैंने ये सीखा मैंने ये आपकी सीखा। मुलाकात हुई थी उनसे मेरी कभी? उनसे मुलाकात हुई थी लेकिन बड़ी शॉर्ट थी, और मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, मैं वीडियो में भी बताता हूँ कि उनका ना, मैं इस वक्त नया नया तबलीग में लगा था, तो वो ना जब उनका बयान इधर था, सईद अनवर का भी बयान था उनका भी बयान था, तो मेरी सारे मस्जिद वाले सईद अनवर के बयान पे जा रहे थे, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना सईद अनवर के बयान, मैंने जुनेद जमशेद के बयान अच्छा, जाना, अलग अलग जगहों पे बयान थे। अलग अलग जगह जमात एक ही थी, उनकी बयान अलग अलग थे, तो सही। मैं और एक और साथी हम उनके बयान पे चले गए, हाँ और बाकी जमात हमारी मस्जिद वाले सईद अनवर के बयान पे चले गए। तो जब उन्होंने सारा बयान वगैरह किया, बड़े मैंने गौर से सुना, तो मुझे याद है उन्होंने कहा कि अपना ना इरादा लिखवाओ ना सरोजे के लिए, बहुत बड़ा मजमा था, मस्जिद काफ़ी बड़ी मस्जिद थी, भरी हुई थी, और मैं बिल्कुल सेंटर में था मजमे के, तो मैं आराम से उनको ऐसे ऐसे देख रहा हूँ स्माइल करके, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि तुम जो है क्यों नहीं अपना नाम लिखवाते अच्छा, तुम, हाँ आउट ऑफ इतने ज़्यादा लोग, उन्होंने स्पेसिफिकली मेरे तरफ पॉइंट किया कि तुम अपना नाम लिखवाओ। तो मेरे याद है कि उन दिनों ना एग्ज़ाम चल रहे थे, ओ लेवल्स के या ए लेवल्स के, तो मैंने हंसते हुए कहा कि मेरे जो है ना ये इम्तिहान चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पता नहीं पढ़ना, और वाकई दुरुस्त मैं बिल्कुल मतलब कि पढ़ाई से भागने वाला बच्चा था, तो मैं हंसा आगे से, मजमा भी सारा हंसा, तो मैंने कहा अच्छा मैं नाम लिखवाता हूँ अपना, मैं खड़े होकर अपना नाम लिखवाया, और उसके बाद जब वो मस्जिद से बाहर जा रहे हैं तो मेरा दोस्त मुझे ना हाथ पकड़ के लेके गया, मैं शर्मा रहा था थोड़ा क्योंकि मजमा हाँ इतना लोग आए होते हैं, तो आप हाँ जाओ तो ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं करते। तंग हाँ करने वाली बात, ऑलरेडी इतना मजमा जगह, तो एकदम उसने मेरे हाथ पकड़ के कहा कि जुनेद भाई ये इससे मिले, ये पाकिस्तान आइडल में था, तो उन्होंने चलते आपकी हुए दाढ़ी एक नहीं थी उस वक्त? नहीं थी बिल्कुल हाँ थोड़ी सी उस वक्त हाँ थी, तो चलते हुए जा रहे, उन्होंने चलते हुए मुझे हाथ मिलाया, उन्होंने कहा कि ये पता नहीं तबलीग के जो काम कर रहा है ये करेगा तो वर्ल्ड आइडल बनेगा, और ये कह के वो वहाँ से निकल गया, और मैं मतलब कि बस देखता हुआ उनको गया। हाँ फिर उनको फिर हमने चेस डाउन भी किया, मतलब चेस से मुराद ये कि बाद में मैंने ट्रैक करने की कोशिश की उनकी जमात किधर है किधर है किधर है, तो फिर हम एक हमें पता लग गया कि वो एक जमात एक मस्जिद में, हम सुबह सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचे, और मुझे याद उन्होंने बड़ा एक अच्छा सूट पहना हुआ था, प्रवेश कोट बड़े तैयार होके वो इशराक के नफिल पढ़े थे, और जब नफिल पढ़े तो मैं उनसे मिला जाके, तो उनके साथी ने कहा कि ये आपसे मिलने आए, कहते हैं अच्छा ये मुझसे मिलने आए हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात होगी कि उनसे कोई मिलने गया, तो मैंने कहा यार मतलब उनका अखलाक वाकई अक्सर लोगों से सुना था उनके बारे में। तो बस बाबर भाई मेरा जो है, मैं भी ये चाहता हूँ कि नाते मेरा शौक है पढ़ना, और आप यकीन करें कि आपके साथ बैठ के आज ये सारी बातें डिस्कस करना,
मतलब कि पार्ट ऑफ मेरी वो ड्रीम एक ट्रू है कि मतलब आप भी एक उनका हिस्सा है, मतलब कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, जाहिर है उनके बेटे हैं, उनका उनका खून है आपके अंदर, आप भी एक बहुत अपनी आपकी कहानी है और एक मतलब कि बड़ी अच्छी जर्नी है आपकी भी, वो अपनी जगह पे है, उनकी अपनी जगह पे है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, या अल्लाह, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कितना इंस्पायर किया, और आपने भी बिल्कुल नो डाउट। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको उनसे भी आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, आमीन आपकी सुमा मेहनत ज़रूर रंग आमीन। लाएगी और आप भी उनके नक्शे कदम पे चल के दुनिया को ऐसे इंस्पायर करेंगे जैसे उन्होंने किया इंस्पायर। ये यार आखिर भाई बड़ी हिट हुई आपकी भी ये बात, और मैं यही कहूँगा कि जितने भी सुनने वाले हैं, खास तौर पे हमारी यूथ जो है, जो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती है किसी ना किसी काम में, कि अभी मैं आकिब भाई के साथ इस पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहा था, हमने ऐसे में अच्छी खासी बातें पहले भी कर दी, वही बात मैं वापस रिपीट भी कर रहा था। आकिब भाई ने कहा कि यार कभी कभी कोई ऐसा काम मैं करता हूँ और वो उस जिस तरह मेहनत की होती है और उसका वो अगर नतीजा नहीं निकल कर आता तो मैं उसमें कोई डिसहार्ट नहीं होता, मैं एक और वापस से शुरू कर लेता हूँ काम, और फिर वो आगे काम वो एक दूसरा और अच्छा हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी हम यहाँ इधर हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, ऑफ कोर्स यंग लोग जो है ख़ास पे, कभी कभी डीमोटिवेट और डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा काम, मेहनत नहीं हो पा रही उस तरह। तो ये बिल्कुल भी नहीं, हमने जो है इन्हीं मेहनत के अंदर रहते हुए हमने सबसे पहले अल्लाह को राज़ी रखना है। जब अल्लाह को राज़ी रखेंगे और इस मेहनत को करते रहेंगे तो अल्लाह का काम क्या है, अल्लाह का भी तो दुनिया का निज़ाम चलाने का अल्लाह का काम है ना, अल्लाह चलाते हैं, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया, हमें अल्लाह ज़िंदगी, हम चल फिर रहे, अल्लाह करा रहे, तो अल्लाह का काम है सिर्फ देना, तो अल्लाह दे कर ही रहेंगे, अल्लाह देते ही चले जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक निखारते रहेंगे और आपको आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। बेशक बेशक। बस ये एक थोड़ी सी हमने चीज़ रखनी है। लेकिन और मैं भी बड़ी बात कर दूँ, कल कल या परसों, अभी ये पता नहीं पॉडकास्ट लोग कब देखेंगे, बड़ी ख़तरनाक बात बताता हूँ। मुझे अक्सर कभी कभी लोग मैं फ़ोन करते हैं कि यार मैं जुनैद भाई के लिए, मैं आके भाई मैं मक्का मुकर्रमा हूँ, मैंने जुनैद भाई के लिए दुआ की। मैं कहता हूँ बहुत बहुत जजाए खैर। अब वो जुनैद भाई के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जुनैद भाई भी एक नॉर्मल इंसान थे, उन्होंने कोशिश करी अल्लाह को पकड़ने की, अल्लाह को याद रखने की, अल्लाह को याद करने की, तो आज अल्लाह ने लोगों के दिलों में उनको लोग याद रखते हैं, वरना और उसी कोई वजह नहीं है। तो इसी तरह कल या परसों भी 28 से 29 दिसंबर को एक बहुत बड़ा फुटबॉलर है, वन ऑफ द ग्रेट फुटबॉलर्स, उसका नाम है पेले, पेले नाम था, ब्राज़ीलियन था, कल उनका इंतकाल हुआ अभी। अच्छा, हाँ हाँ कल हुआ सही है, सही 28 या 29 दिसंबर दिसंबर 2022 को, किसी को नहीं पता, कोई याद नहीं रख रहा। और ये पता कौन है? ये अब बहुत सारे लोग जानते होंगे मेसी रोनाल्डो को, जानते हैं ना अच्छे बिल्कुल खासे, ये उस लेवल के फुटबॉलर थे 1950s में। सही कह रहे हैं आप। अब कल इनका इंतकाल हुआ, अब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, मैं नाम सुना होता है पहले, बट ये मुझे नहीं पता था कि उनका इंतकाल हो तो गया। बस यही ना किसी में कोई क्योंकि सही बस बात। जो अल्लाह को याद रखेगा सारी दुनिया उसको याद रखेगी, जो अल्लाह को भूल भूल के जाएगा फिर लोग दुनिया उसको भूल जाएगी इस तरह। तो और फिर देखो खतरनाक बात यह है कि उनके लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं कर सकते, जो जिसने कलमा ना पढ़ा हो उसकी काफिर मगफिरत के लिए नहीं की कर सकता। दुआ भी नहीं कर सकते। तो बस ये एक ज़िंदगी का निचोड़ यही है कि जो भी काम करें, जो भी ज़िंदगी गुजारें, जिस तरह का भी काम करें, उसको इस मद्देनज़र रखते हुए करें कि यार इसमें मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा, फिर दुनिया अल्लाह पाक सब आपके लिए खुश कर देंगे। सही बात है। आपने तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके इसको मैंने किया, और देखा। मेरी यार आखिर भाई मेरी मेरी बेगम से भी अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती थी, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत जज्बाती होकर दीन सीख रहा था, और मेरे उस वक्त मेरा असल मसला ये था कि पैसे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे, इतने भी नहीं होते थे कि मैं जब कभी मेरी मेरे बेगम पैसे मांग लेती थी ना, तो मेरे माइंड में सारा वो खर्चा आता था कि यार इस महीने क्या निकालना है, और मैं सोचता कि मैं इसको अगर दे दूंगा तो फिर हम बाकी क्या करेंगे। तो उस टाइम पे एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है बंदे का। तो फिर मैंने क्या किया, कुछ हाथ पैर मारे, मैंने फिर ये यूट्यूब का एक चैनल शुरू किया, तो मैंने सोचा इस पर क्या करें क्या करें, गाना और नाद पढ़नी तो मुझे आती ही नहीं थी उस वक्त 2000
2019 में मैं जब चिल्ला लगा कर आया था ना, अब मैंने 19 का बताया था, तो 2019 के अक्टूबर में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। वो जो 6-7 महीने गुजरे थे ना, वो काफ़ी टफ थे। मैं मार्च में आया था 2019 के, और 19 से लेकर अक्टूबर तक मेरे पास कोई काम नहीं करने को था। वो टफ आपने गुजारे, वो वक्त काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मेरा बच्चा पैदा हो चुका था उस वक्त, मेरा होता था, मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वो अप्रैल में पैदा हो गया था। मैं मार्च में आया था, अप्रैल में जुनेद पैदा हो गया था, मेरे उसका नाम जुनेद है। तो वो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का वक्त काफ़ी मुश्किल से गुजरता था, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं बच्चों के भी, वो डाइपर शाइपर लेने के भी पैसे। अब मैं अपने घर वालों से जाकर मांग नहीं सकता था, क्योंकि हम सब एक फेज से गुजर रहे थे लाइफ के। जाहिर है आप मुश्किल वक्त में तो वो भी हैं सब। वो बस ये बात लोगों को समझने की है कि सब घर वाले एक ही चीज़ को फेस करते हैं। और मेरा भाई खुद, जो मेरे बड़े भाई हैं तैमूर, वो खुद अपने काम एक सेटअप कर रहे थे अपना, तो वो उसमें उनकी भी अपनी टेंशन थी। छोटा मेरा भाई बहुत छोटा था, मेरी बहन भी मेरी बहुत छोटी है अभी भी, तो मैं दूसरे नंबर पर हूँ। तो अम्मी मेरी आज दिन तक 6 साल हो गए, अगर अभी दिसंबर आया था ना, तो मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि रो रही थी, तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि वही वजह है, तो कहती है हाँ। तो मैंने कहा क्यों अम्मी रो रही हैं, तो कहती हैं कि देखो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के अब्बू होते हैं, मेरे बच्चों का तो कोई बाप नहीं है। मैंने बोला अल्लाह तौबा है यार, अभी ये इस वक्त इतने वक्त गुजर गया, अब ये बातें करने का क्या फ़ायदा। वो आज भी वो कभी कभी उस फेज से गुजरती रहती है, वो तो किसी टाइम भी आप पे हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मूव ऑन कर गया। अल्लाह पाक जब एक चीज़ लेते हैं तो उसके बदले बहुत सारी और चीज़ें देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने बच्चों के साथ ही वो ऐसा वक्त गुजरता, ये तो आज आप बाबर भाई देखें, वो कहते हैं अल्लाह के हर काम में कोई हिकमत होती है, क्या पता मतलब कि आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो। अगर यार वो होते तो क्या पता आप लोग ये रियलिटीज और ये टफ टाइम और इतना स्ट्रांग हो ना पाते आप। यार आगे भाई हर बंदा किसी ना किसी फेज से गुजरता है लाइफ में, तो हर बंदे को अल्लाह पाक गुजरवाते हैं, वो इसलिए कि अल्लाह पाक उसको बनवाना चाहते हैं कि ये बने और ये मेरी तरफ इसका कि बढ़े आगे। और अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं बस एक कदम मेरी तरफ आ जाओ, मैं दौड़ के तुम्हारी तरफ आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस वो यूट्यूब पे फिर मैं लगा रहा, मैं मेहनत करता रहा कि यार इस पर कुछ ऐसी चीज़ें करें, तो वो एकदम से लोगों को कुछ क्लिक हो गई, पसंद आ गई। नहीं बहुत मजेदार कंटेंट आपका जी। उसके 2 साल तक मैंने ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, मेरे ख्याल यार बस पैसे कमाने और कुछ भी नहीं करना। मैंने आज तक अपने किसी इंटरव्यू में नहीं बोला, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये भी मुश्किल थी लोगों ने इस चीज़ का आइडिया। मैंने कहा यार बस यहाँ पे नहीं घोड़ा जैसे लगा लेता, बस ना यहाँ देखने ना सीधा देखने, ये एम है, लग जा कर जा। मैं 2-2.5 साल तक मेरा अच्छा 300 कुछ वीडियोस हैं चैनल पे, मैंने बस कहा यार हर दिन एक वीडियो बनाऊंगा, तो बस वो करता रहा। वो मुश्किल होता है लेकिन मैं लगा रहा लगा। बिल्कुल कंसिस्टेंसी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आज आप ये सारी बातें बता रहे हैं, और मतलब कि अक्सर लोग होते हैं ना उनकी कोई हल्की सी परेशानी हो ना बाबा भाई, तो वो ना पूरी दुनिया को बताते हैं, हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं इतना मुश्किल में हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। तो ये भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबर भाई और उनकी फैमिली इतनी एग्जांपल है कि इन्होंने टफ टाइम देखा बट किसी को पता भी नहीं है इसके बारे में जो आज ये हमसे शेयर कर रहे हैं। और मतलब कि इन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला से जो है ना मांगा और उनके सामने अपनी चीज़ें रखी। बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छी बात की आपने। जब कोई मुश्किल वक्त आए ना, अब जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं अगर डॉक्टर के पास चला गया पहले और उसने दवाई दी और ठीक हो गया, और फिर मैंने आकर 2 नफिल शुक्राने की पढ़ी, अल्लाह पाक थैंक यू आकर ठीक कर दिया, नहीं 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 सारा काम तुमने ख़राब कर दिया बंदे। नहीं 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 तबीयत ख़राब हुई, पहले अल्लाह से मांगो ये अल्लाह पाक तबीयत सेट नहीं, जैसे मेरी आज थोड़ी तबीयत ऑफ है, ये अल्लाह पाक कुछ सेट करें, फिर दिल में ख्याल है यार अल्लाह डाल दें, डॉक्टर के पास चले जाओ, अल्लाह पाक ऐसी शिफा देंगे, उसी दवाई से किसी और को नहीं मिलेगी आपको मिल जाएगी। तो जो जब वक्त आए ना मुश्किल, उस वक्त आपने किसी को नहीं बताना, उसमें से गुजर जाओ, और आप उस वजह से गुजरो कि आप बोलो कि यार मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ आज 6 साल बाद कि जो मेरे उस वक्त से गुजरने की वजह थी और जो मुश्किलात आई थी उनको हल करने वाला कौन था, वो अल्लाह थे। तब अब मैं बता सकता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों से निकल गया। अगर उसी वक्त आई होती मुश्किल में हम जैसे आपने कहा कि बताना सारी दुनिया को फेर दें, बस फिर अल्लाह कहते हैं जिनको बता रहे हो ना, पर जाकर इन्हीं से फिर अपना मामला हल करवाओ,
फिर मेरे पास नहीं आना सही होगा, बात ठीक है, सही जब बात, तुम दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हो। नहीं वेरी इंस्पिरेशनल। और बाबर भाई मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हम एंडिंग के अंदर कोई नात कोई हम्द हाँ अगर हम यार दोनों मिल के पढ़ें बिल्कुल जी, तो बड़ा आप मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कौन सी पढ़ें, हल्की आज कभी मेरा थोड़ा गला आउट है, आप सी एक पढ़ेंगे? दो लाइनें बस आप मेरे साथ दिल बदल दे पढ़ें, मेरी भी बड़ी फेवरेट है वो। ओके आप पढ़ें, मैं आपके साथ साथ पढ़ता हूँ, मेरे दिल बदल ओके। दे आपको। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा मेरा गफलत गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिस वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, मेरा मेरा गफलत गफलत में में डूबा दिल बदल दे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा बाबर भाई के साथ ये सारी गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।